कौन से टर्म है? कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड. कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड, ये टर्म इनको ही इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑलरेडी जो बिजनेस प्रोसेस है उसको री इंजीनियर किया जा रहा है. नेक्स्ट का टॉपिक है आपका, इसमें किसी को पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज आई एम मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज क्लियर ऑल ऑफ यू? हर्ष अग्रवाल, क्लियर हुआ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? और किसी को कोई दिक्कत हो पूछिए, क्योंकि साथ ही साथ पूछते चलिए. नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इन दिस टॉपिक वॉट एवर वी डिस्कस्ड टिल नाउ, फंडामेंटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन वॉट आर कंपटीटिव एडवांटेज विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो देयर आर वेरियस रोल्स, वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ एन एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम टू मेक इट सक्सेसफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म कॉस्ट स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी कौन कौन सी वर्क होती है? जब आप कंपटीशन की बात करते हैं, कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कॉस्ट कटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट बर्डन मे बी मेड टू द यूजर विल बी लेस. सेकेंड, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन है स्ट्रेटजी. थर्ड वन, इनोवेशन. सो कॉस्ट स्ट्रेटजी मीन्स कॉस्ट कटिंग. सिंपली कॉस्ट स्ट्रेटजी का मतलब कॉस्ट कटिंग ऑफ द सिस्टम. वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर कस्टमर और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू बिकम अ लो कॉस्ट प्रोडक्ट, लोअर योर कस्टमर और सप्लायर कॉस्ट और इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर कंपटीटर्स मस्ट पे टू रिमेन द इंडस्ट्री. ठीक. सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, मीन्स योर प्रोडक्ट मस्ट बी डिफरेंशिएट in any terms, any adjective of the product from the other company's product. जब तक आप उसमें differentiate नहीं कर पाएंगे या इस तरह के process या adjectives उसमें नहीं input करेंगे कि वो आपका product दूसरे के product से कुछ अलग हो, better हो, तब तक कोई भी उस product को ना purchase करेगा ना ही motivate होगा to see और गिव अ ग्लिम्स ऑल्सो. डेवलपिंग वेज टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू डिफरेंशिएट योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम योर कंपटीटर, सो योर कस्टमर परसीव योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज हैविंग यूनिक फीचर और बेनिफिट्स. सो देयर मस्ट बी डिफरेंशिएशन of your product from other product. Third, which innovation strategy.
means the product, the service, whatever you are going to produce must be some new technology, new creation, which is not launched or come to exist before your product. It should kept in mind. Then only your solution, your product, यहाँ का मतलब जो आप फिजिकल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, योर सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात हो रही है, जो अपना प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। कि जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट कुछ भी, तो वहां पे हमारा कंसर्न है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन सिस्टम से। तो योर प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, इसका मतलब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, व्हाटएवर प्रोवाइड, व्हाट विल बी प्रोवाइड बाय यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंट्रोड्यूसिंग इन यू प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इंक्लूड information technology components, using information technology to make radical changes in your business process that cause fundamental changes in the way business is conducted in your organization, your development industry also. So these are competitive advantage with information technology. Next, last topic, I am going to discuss concept of system. Last but not least, an important topic, the concept of system. Anyone can tell me what is a system? बताइए भाई, व्हाट इज सिस्टम? दिस इज नॉट अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब समझते हैं? नहीं, देखिए आपने कुछ बताया, उसको हम लोग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। सेट ऑफ प्रोटोकॉल को, जो प्रोटोकॉल होता है, ये भी सेट ऑफ रूल्स है टू डू वर्क फॉर गुड एंड डिसिप्लिन मैनर। बट हम सिस्टम की बात, सिस्टम रंजनी अग्रेरी तुम ही बोलो। रंजनी यू टेक इनिशिएट। रंजनी तुम कुछ बोल रही थी ना, तुम्हारे यहां माइक मुझे दिखा था ऑन। चलिए कोई और बोलिए। पार्डन, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बताइए, ओके, हाँ ये एक पॉइंट आया निकल के। कौन किसने बताया? ज्योति। भाई मैं सोच रहा देते नो ओपन कॉल, अगर ज्वाइन करते हैं थोड़ा और हमें आंसर मिल जाते हैं। गुड, ये एक पॉइंट आया है, इट इज नॉट कंप्लीट आंसर बट की पॉइंट एक आया है निकल के, ग्रुप ऑफ थिंग। ठीक, नाउ वो बताया है, बताया है बेटा। अब आप डेफिनेशन लिखिए, आई एम गोइंग टू डिक्टेट। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। ज्योति ने जो पॉइंट बताया उसी को आगे बढ़ाते हुए, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स
working together towards a common goal. By accepting input and producing output. जहां बात यहां पे हो रही है accepting input की, जहां पे ये बात हो रही है accepting inputs की, means system should be flexible to capture and always welcome input for each of component or employees or staff or small to small person which is directly related to that system. मतलब आप हर employee, staff, person, चाहे वो तो आपका फोर्थ क्लास का हो चाहे किसी का भी हो, उस सब की बात को, सारे इनपुट्स को कलेक्ट करेंगे और बाद में एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. सिस्टम उसको कहते हैं. सिस्टम में सब इन्वॉल्व होते हैं. सिस्टम में मशीन से लेकर के इवन जो आपके वेंडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जो थर्ड पार्टी पर्सन होते हैं जिनका डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्शन नहीं होता, दे आर आल्सो इन्वॉल्व टू मेक टू अचीव अ कॉमन गोल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर वर्किंग. डेफिनेशन समझ में आई? हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए. अच्छा, इसके सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला इनपुट, सेकेंड वन आउटपुट, थर्ड वन ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फीडबैक, फोर्थ वन कंट्रोल आल्सो. दीज आर मेन प्राइमरी और ये जो है सेकेंडरी होते हैं. मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. व्हाट आर इनपुट? इनपुट मींस इन्वॉल्विंग, कैप्चरिंग, असेंबलिंग एलिमेंट्स दैट एंटर द सिस्टम टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग. आउटपुट आपका क्या हो सकता है? आउटपुट हम लोग किसको कहते हैं या क्या मिल करके आउटपुट बनता है? इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर गेटिंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग एलिमेंट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर मीनिंगफुल पर्पस एंड गिव अ सुटेबल आउटकम, सुटेबल रिजल्ट नोन एज आउटपुट. फीडबैक क्या टर्म होता है जो कि आप सेकेंडरी की बात कर रहे हैं? डेटा अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. फीडबैक का टेक्निकल टर्म है डेटा अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. जब भी हम फीडबैक की बात करते हैं तो जनरल ये ऑब्वियस होता है कि सबसे पहले उस सिस्टम की आप पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव टर्म को एक्सप्लेन करें. मे बी देयर आर सम नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव वर्च्यू आल्सो दैट सिस्टम. जब हम फीडबैक की बात करते हैं तो सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हमको सिर्फ उसकी कमी ही बतानी है. टू अ लार्ज एक्सटेंट ये हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादातर, हालांकि लोग इमोशनली ऐसा करते नहीं है, कि हमको सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करना चाहिए. देन अदर वे, अदर टर्म्स में हम उसको जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जहां पे लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट, नेगेटिव मतलब हमें सिर्फ कमी नहीं बतानी, हमें कमी इस तरह से बतानी कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, उस सिस्टम में कुछ इंप्रूव हो. समझ रहे हैं भाई? देखिए, इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है आपका, आई एम
POSSIBLE, इसका मतलब जो एक्चुअल में होता है वो होता है आई एम पॉसिबल। बहुत अच्छे समझ लीजिए, जो आप ये टर्म सोचते हैं ना इम्पॉसिबल, इसका एक्चुअल मीनिंग अगर आप होता है, देखिए जो हिंदी में हम लोग कहते थे कि संधि विच्छेद टाइप का एक वर्ड होता है, यानी वर्ड को भी अलग अलग करके उसके मीनिंग भी हम निकाल लेते थे, तो इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल। वेन एवर वी आर गोइंग टू गिव फीडबैक फॉर एनी सिस्टम एनी टर्म, तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि पहले आप पॉजिटिव पॉइंट को एक्सप्लेन करें एंड देन हाईलाइट करें उसकी शॉर्टकमिंग्स को या नेगेटिव पॉइंट को फॉर इंप्रूवमेंट पर्पस, ये ध्यान रखना। एंड लास्ट में कंट्रोल, दिस इज द कंट्रोल। कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग इवेल्युएटिंग फीडबैक टू डिटरमाइन वेदर ए सिस्टम इज मूविंग टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल और मे बी इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखना है। कंट्रोल भी करना जरूरी है, हम फीडबैक इसीलिए लेते हैं क्योंकि फाइनली हम उसको मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है और किसी किसी मीनिंगफुल पर्पस या रिजल्ट पे हमको पहुंचना है। सो दीज आर अबाउट ऑफ सिस्टम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सिस्टम में कोई दिक्कत ना समझने में कोई दिक्कत अगर हुई हो तो बता दें, हम दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। So it is attendance time. अपने कॉलेज क्लास में 57 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 58 स्टूडेंट दिख रहे हैं। किसी ने दो बार जॉइन किया या दो लॉगिन से ज्वाइन किया है, ऐसा ना करिए। मेरा भी गिल्ली हो, अच्छा अब्दुल्ला कील, अभीतरण श्रीवास्तव, अभिनव, आदर्श तिवारी, आदित्य सिंह, आदित्य चंद्रा, आकर्ष, अमन, अनिल, अंजलि, अंशुल, जिनकी अटेंडेंस मार्क्स हो गई है, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन ना हो, कुछ पूछना ना हो तो दे कैन लीव एंड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट क्लास। अंशुमान सिंह, अंशुमान सिंह एब्सेंट, आप बोलेंगे नहीं तो मैं एब्सेंट कर दूंगा। अनुपम, अर्पित, अटेंडेंस रजिस्टर विजिबल है आपको, दिख रहा है अटेंडेंस रजिस्टर? हाँ, तो बस प्रेजेंट तभी लगेगी जब मेरे कान में आवाज आएगी। असद रशीद खान, आश्रय, अविनाश, आयुष, एकांश, गार्गी, गरिमा, गौरव, हार्दिक शर्मा, तिवारी, हर्ष, हर्षित, हिमांशु, ऋतिक प्रकाश, ऋतिक श्रीवास्तव, ज्योति, कल्याणी, कशिश, कुशाग्र,
लवप्रीत, मधुर, मोहम्मद इमरान, निकिता, आर कृतिक, राज, रंजनी, रत्नेश, रवि चौहान, ऋतुराज, सत्यम, शाश्वत, श्रुति, स्तुति, सुचिता, तान्या, उज्ज्वल निगम, वैशाली, वैष्णव, वैष्णवी, दिवांशु, विजय प्रकाश, वासिक मुस्तफा, यश, ठीक। कोई किसी की क्वेरी? हाँ बताओ। नहीं मिल रही है, मैं भी देखता हूँ, ढूंढता हूँ, नहीं तो मैं जो है क्या करता हूँ, तब तक मीनवाइल कोई अरेंज नहीं होता है तब मैं इसके नोट्स आपको डिटेल नोट्स पीडीएफ फॉर्म में सेंड करता जाऊंगा, ठीक है। अगर ये नोट, ये नोट भी डिटेल नोट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट भी आप पढ़ लेंगे, डिटेल वाले नोट और मेरे नोट भी पढ़ लेंगे, तब भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस जो है आपका पूरा पूरा डिजाइंड है गलगोटिया पब्लिकेशन वाली बुक से, बाकी आप एक दिखा रहे थे वो भी किताब है, उसको एक बार चाहे तो डाउनलोड करके पढ़िए, सिलेबस आप सभी के पास है, देखिए सिलेबस से मैच करिए, क्या सिलेबस से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देखिए, कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जो हम बता रहे हैं वो 2002 पब्लिकेशन की है, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2002 है, और जो आप बता रहे हैं उसमें जो मैं उसमें क्या कहते हैं जेम्स ओब्रायन के साथ मैकेस करके भी कोई राइटर है, उनका 11th एडिशन है, 11E लिखा हुआ है, 10E भी लिखा हुआ है, तो एक बार डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने में कोई बुराई है नहीं, सिलेबस से मैच करिए, अगर हो जाता है, मिल जाता है तो बात दूसरी है, नहीं तो तब तक हम आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। परसों कॉलेज जाएंगे, ट्यूसडे को कॉलेज जाएंगे, देखते हैं क्या बात होती है, क्या हो सकता है, किस तरह से आपकी और हेल्प हो सकती है, लाइब्रेरी के बारे में पूछेंगे जाकर के, जो ऐसा जो भी होगा बात करेंगे, ठीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।